जे जियां बच्चा पालदे ने इयां उन्हें बैड़े पाले दा दुख है, दुख की वजह करिए मैं करा पुलिस की यह आखना कि जल्दी को जल्दी ये तबीश कर, नहीं तबीश करती पुलिस तो अस इंदे कन्नै कानूनी कार्रवाई की जाए। उपर रात गड्डिया आदि तो माल गड्डिया चुकी लिया दी पुलिस को जाओ आखिर एफ आई आर असं बंदा दसो, अस बंदा कुत्थों दस हथियार ले आते साल छोटी भी नहीं है, कम से कम मेरे 70,000 भी योग है मगर अज मेरी फसल मैं कि राणी है ट्रैक्टर ले तो मेरा 200 रुपया कनाली का लेंदा कुत्थों देने पैसे। पुलिस को जाओ पुलिस वाले आखिर महाराज अस एफ आई आर नहीं शहादतें बगैर लगती, वो कि जमाना आया कि जी एफ आई आर नहीं शहादती बगैर लगती, चोरी का माल कौन शहादत दे जो चोरी कर जाग वह शहादती कंधा पिछे खड़ी जाग सरकार अगर मैं बीजेपी का इं बरकर रहा यह बीजेपी हाल हुई बीजेपी ने असें गै टकरे करिए गए बीजेपी कसी नहीं सकती के हालत बनाइए रखी उड़ी ये लोग माल वापस करा लेकिन साढ़ा दाल मगर अगर फसल भी मारी गई सारे बाल बच्चे ने केह खाना, अस ये आखने कि साढ़ा माल जो वापस कराओ अगर पुलिस नहीं कराई सकती कौन कराना। DSP भी आखो मैं तैयार हाँ खनूर जी रिपोर्ट देनी है की साढ़े कने देनी आई हुई क्या ये पुलिस जो इन काम नहीं करी सकती अगर पुलिस चाहे पत्थर नहीं हली सकता कैमरे लगे ज गड्डियां गई ना अपने हवा चुड़ी तो गई नहीं है गई रोड पर गई तो अस ये आखने भी कैमरे लगे चौकी वगैरह लगे लगे लोकेशन कढ़ाओ देखो बच्चे लिखे जानवर पाला कोई लाश चोरी हो जानी ये कि तरीका है तो हिंदू एक है मुसलमान है ये सारी मदद होनी चाहिए और सारा माल अगर जिंदा कुछ नहीं अगर पिछले कुछ वापस होना जो लेते हैं वो बदला लेगा अस देवते की आराधना कराने कि वह बदला देवता लेगा मगर वो जरूर सब तक उसको बहुत बुरी सजा मिलेगी। नमस्कार आप जुड़ चुके हैं जेके टाइम्स के साथ और मैं हूँ मोहित शर्मा। दोस्तों इस समय मैं मौजूद हूँ नाथल गांव में और आज मसला है चोरी का। हमारे जम्मू की बात करें तो दिन ब दिन अब चोरियों के जो मामले हैं बढ़ते जा रहे हैं, ऐसा ही एक मसला है चोरी का। लेकिन मैं बता दूँ ये चोरी का मसला है इनके माल मवेशी जो थे जिनका गुजर बसर ये माल मवेशियों के ऊपर ही इनका सारा सिस्टम जो डिपेंड रहता है और इनके माल मवेशी जो है चोरी हुए हैं पूरी बात इन्हीं से जानेंगे। जी तुंदा नाम? थोड़ू राम। के मसला है तुंदा? सारे नाम साढ़े माल उपर आंदा हा इत्थे घरें कोल गै समझो वो इ'यां 2 महीने रौंदा उत्थे गै इ'यां आम जेह्ड़े कोई उंदे घरें कोल गै बौह्ना पौने दा वो एक दिन 22 तरीक दी गल्ल है वह राती चोरी होई गया गड्डी लदोई गया ते ओह्दे बाद असें कोई खबर नहीं लग्गा जी अस गए पुलिस स्टेशन एप्लीकेशन देई आए हल्ले धोड़ी असें कोई खबर नहीं लग्गी कोई कार्रवाई ते सही नहीं होई। केह्ड़े पुलिस स्टेशन गए तुस? जोगा। मवेशी मिलना चाहिए अस खुश है इस गल्ला तो बाकी अगे देखो नहीं तो को है पर शक वगैरह कुछ है नहीं शक कोई नहीं है पहले भी सब वारदात होई ना कोई ऐसी कोई गल नहीं हुई पहली बार पहला के चांस है। कुछ और भी लोग हमारे साथ हैं उनसे बात करेंगे। तुम्हारा नाम? सुभाष चंद्र। हमारे माल मवेशी गैप हुआ नाथर गांव के रहने वाले हमारा ऊपर माल रहता था उधर से माल चोरी हुआ है हम उसके पास हम पुलिस के पास गए 25 तारीख को पुलिस 26 तारीख को पुलिस के पास गए उधर पर्चा दिया बोलता हम कि ना गवाही के बिना FIR नहीं लगाएंगे। कौन बोल रहा था? SHO बोल रहा वो SI बोल रहा है। हाँ उसके बाद हम घर चले हमारे चारा कोई नहीं था। तो आप 25 तारीख को गए थे या 26 तारीख को गए सर? 25 तारीख को रात को हुआ था ये? रात को हुआ था 26 तारीख सुबह गए थे। हाँ मतलब इतने दिन से कोई मतलब कार्रवाई नहीं की पुलिस ने? अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो उसके बाद आप फिर से पुलिस स्टेशन नहीं गए? अभी कैसे क्या जल्दी लेने जाएंगे अगर कार्रवाई नहीं हुई पुलिस के पास क्या जाएंगे? फिर से आपका जाना बनता है फिर से पूछना चाहिए उनको कि हमारा कोई मसला हल नहीं किया गया अभी तक? हम तो हम गए ही नहीं हम क्या जाना था अगर मसला बोलता कोई अगवाई के बिना FIR नहीं लगेगी। चौकी अफसर बोल रहे हैं? हाँ चौकी अफसर बोल रहे हैं सर बस इतनी सर। कुछ और भी लोग हैं जिनके माल मवेशी चोरी हुए हैं? जी पापा जी तुंदा? हाँ जी तारा जान। देखो अस 1947 को पहले देखते रहे हैं कि इतने चोरियां होंगे ही लेकिन एक बाद मसला हूँ आया कि जेडे साढ़े जंगल चा घरें को रातनी गड्डिया आदि तो माल गड्डिया चुकी लिया दी पुलिस को जाओ आखिर FIR असं बंदा दसो अस बंदा कुत्थों दस हथियार ले आते साल छोटी भी नहीं है तो अस उनके कहीं लड़ी सकने जा पकड़ी सकने साढ़ा यह मसला फिर पुलिस को जाओ पुलिस वाले आखिर महाराज अस FIR नहीं शहादतें बगैर लगती वो कि जमाना आया कि जी FIR नहीं शहादती बगैर लगती चोरी का माल कौन शहादत दे जो चोरी कर जाग वो शहादती कंधा पिछे खड़ी जाग
केड़ा मसला होया कि सारे लोग ने गरीब आदमी मेरे पूरा टब्बर है जिमीदारी जी बिल्कुल पिछला फसल फेल हुई है एकड़ा फेल हुई है असें कुत्थे जाना बाल बच्चे ने केह खाना केह करना जां साड़ी कोई नौकरी नहीं कोई सर्विस नहीं कोई लैन नहीं देन ते ये अस एक इस स्हाबै कन्नै जदूं दियां चौकियां चली दियां अगुं दी चोरियां होआ दियां अग्गे पैह्लें संताली दी चोरी होंदे ही पैह्लें लेकिन बाद च कोई चोरी नहीं हून चोरी लेई पेई हून एफ आई आर दिन दे ओह् लैंदे गै नहीं है देखो इस चीज का असं नालज लगे फिर अरदास भी पकड़ लैने लेकिन अस इस चीज का नालज नहीं तो पुलिस ने करनी ना कार्रवाई हूँ अस के करी सकने इन कुछ भी पकड़ी सकने लेवल के अफसर पर कोई एक्शन लैन कार्रवाई करना असं लोग माल वापस करा लेकिन साढ़ा दार मदर अगे फसल भी मारी गई साढ़े बाल बच्चे ने केह खाना अस ये आखने कि साढ़ा माल जेड़ा वापस कराओ अगर पुलिस नहीं कराई सकदी उन कोने कराना कौन चकाया उह सामने आना चाहिदा जी साढ़ा ये मतलब साढ़ी जी हुण किन्ने कैमरे लगे न जां गड्डियां गईयां ना अपने हवा च उड़ी ते गईयां नहीं हैन गईयां रोड उपर ही हैन तां अस ये आखने आ भई कैमरे लगे न चौकी उपर लगे न जां कोई लगे न ओह लोकेशन कढ़ाओ देखो अजकल फोन सिस्टम फोन विच भी लोकेशन आंदी भई केड़े बंदे ने लेकिन सर मैं ये आखना चाहुंदा कि जिन्ना अस इत्थे रोड च आए रोड दी भी काफी ज्यादा बुरी हालत है लेकिन ये लोग गड्डियां लिए किन्ना आंदे किन्ने इत्थों इन्नी जल्दी फरार होई जांदे ने अरे रोड उपर है ना बल्ली तो चुकोया माल ते बल्ली मतलब घरे दे कोल उंदे बड़े प्यार कन्नै बौंदा मतलब बसंती बड़ा का हुंदा मच्छर घट हुंदा उत्थे ते बड़े अग्गे भी रौंदे 50 साल पहले रौंदे आवा दे न राती आए कुदे गड्डियां लेइयै चुके कोई मतलब साढ़ा मतलब कि इत्थों दा कोई बंदा इंदे कन्नै ऐसे तो कोई अस सुंदर मानी जाइए चोरी करजे कुछ कौन दा सानू कोई बंदा इत्थों लोकल होई सकदा ना मतलब मिली भगत कन्नै हां बिल्कुल कोई सरकार मिली कौन कौन मिलेगा इस गल दा असें पता इह सामने आना चाहिदा मेरी इह कोशिश है मेरा कम से कम मेरा 70,000 भी योग है मगर अज मेरी फसल मैं कियां राणी है ट्रैक्टर लै तो मेरा 200 रुपये कनाली दा लैंदा कुत्थों जाने पैसे बस गरीब हां मैं जे जियां बच्चा पालदे ने इयां उनें बैड़े पाले दा दुख है दुख की वजह करिए मैं करा पुलिस की यह आखना कि जल्दी को जल्दी यदि तबीश कर नहीं तबीश करती पुलिस तो अस इंदे कन्नै कानूनी कार्रवाई की जाए इंदे उपर हाँ मैं DSP भी आखो मैं तैयार हाँ खनूर जी रिपोर्ट देनी है कि साढ़े कन्नै बेनी आई हुई क्या ये पुलिस जे इन कम नहीं करी सकती अगर पुलिस चाहे पत्थर नहीं हली सकता असें यह करना सरकार सरकार अगर मैं BJP का इं वर्कर रहा यह BJP हाल होइए BJP ने असें गै टक्करे करिए गे BJP कसी नहीं सकती है केह हालत बनाइए रखी उड़ी यदि दुख है इस गल का बच्चे लिखे जानवर पाले कोई तो लास्ट चोरी हो जानी ये केड़ा तरीका है तो हिंदू एक है मुसलमान है ये साड़ी मदद होनी चाहिए और साड़ा माल अगर जिंदा कुदै नहीं अगर पिछले कुदै वापस होना चाहिए अगर नहीं वापस आया अस मरदे दम तक जो रिजल्ट है ये आने तैयार हाँ मैं पुलिस वाले भी आखना मदद करो हमारी अम तुम्हारे साथ हैं हाँ इन्ना कुछ सकता बाकी अस केह आखी सकने असें बदले दे नहीं जिन्हें लेते दे ना वह बदला लेगा अस इतने देवते की जी आराधना करा कि वह बदला देवता लेगा मगर वह जरूर सब तक उसको बहुत बुरी सजा मिलेगी हाँ मैं बस इन्ना नमस्कार करूँ बहुत बहुत धन्यवाद आपका देख सकते हैं लोग कितने परेशान हैं ये गरीब लोग हैं गाँव में रहते हैं और इनका जो गुजर बसर होता है वो सारा ही नहीं माल मवेशियों के साथ ही सारा सिस्टम जो है वो चलता है और इनका ये भी कहना है कि हमने एक छोटे बच्चे को जैसे पालते हैं ऐसे इस तरह की इन्होंने अपने माल मवेशी इतने पाल के इतने बड़े किए हैं तो लास्ट में जब चोरी हो जाएं तो पिछली बार भी फसल में इनको घाटा हुआ था इस बार भी इनकी वो माल मवेशी चोरी हो गए हैं अभी हम बात करेंगे हमें कॉल की थी बोधराज जी ने उनके साथ बात करेंगे जी बोधराज जी क्या कहना है ये गरीब लोग हैं परेशान हैं इनकी चोरी हो गई है मोहित जी सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूँ क्योंकि आप खौर से लगभग 30-35 किलोमीटर जहाँ आप आए हैं मोहित जी जो माल मवेशी की बात है कि हम लोग जहाँ पहाड़ी इलाके के लोग हैं हमारा जो गुजर बसर है वो इस माल मवेशियों के ऊपर ही है चाहे भैंस हो गाय हो या बैल हो तो बैल हमारे खेत जोतने के काम आते हैं जो तकरीबन जहाँ से 8 बैल जो 22 और 24 तारीख को जहाँ चोरी हुए हैं और 3 गायें जो चोरी हुई हैं तो पहले तो मैं जो हमारे जो थोड़ू राम शर्मा जी बोल रहे थे कि मैं भाजपा का बड़ा कार्यकर्ता हूँ देखो ये सच बात है पार्टी कोई भी हो जी
तो वो अपनी मर्जी है कि किस पार्टी में क्या करना है, किस पार्टी में जाना है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए जो थोड़ू राम ने किया है, जो मैं आज कैमरा लगा बोल रहा हूँ, वो किसी ने नहीं किया है शमका सुजा जी के अंदर, क्योंकि जहाँ इन्होंने देवते की सुखन भी दी है, सुखने तक की है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, आप किस भाजपा की बात करते हैं? भाजपा के DDC के मेंबर वो डाकू लुटेरे हैं, वो पेपर बेच रहे हैं, तो चोरियां तो होंगी, क्यों नहीं होगी? आज जब पेपर आज दिन आप देख रहे हैं करप्शन चल रही है, तो भाजपा के ऊपर उम्मीद आप जो कोई भी लोग नहीं कर सकता कि भाजपा जहां पे बचाएगी, भाजपा चोरी रोकेगी, भाजपा चोरी बढ़ा सकती है, चाहे वो पेपर माफिया हो, ड्रग माफिया हो, माइनिंग माफिया हो, लिक्विड माफिया हो, जम्मू कश्मीर को तो नर्क बना दिया लोगों ने, ये भाजपा है। लेकिन जो बड़े बड़े नेता जो भाषण करते हैं ना, जब इलेक्शन होती है तब किसी ने जात के नाम पे वोट मांगने हैं, बरादरी के नाम पे वोट मांगने हैं, इलाके के नाम पे वोट मांगने हैं। मोदी जी, हमारी छम कॉन्स्टिट्यूंसी की 49 पंचायतें हैं, 4 तहसीलें हैं, 5 ब्लॉक हैं, आज 35 पंचायतें जो हैं वो मेन रोड से कट हो चुकी हैं। हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे? ये माल मवेशी जो जा रहा है इसके जिम्मेवार कौन है? लेकिन मोदी, मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही मेरी चौकी साहब से बात हुई है, उन्होंने मुझे जब बोला कि मैंने पूछा कि आग दो अभी एक हफ्ता हो गया क्या रिजल्ट निकला, उन्होंने बोला कि FIR नहीं लगी है। मैंने पूछा भाई नार क्यों नहीं, उन्होंने बोला कि कोई गवाही नहीं दे रहा। अरे भाई, कोई मर्डर करके चला जाता है तो उसकी FIR नहीं, उसके लिए पहले गवाही देखना पड़ेगा? ये गरीब लोग हैं, हाँ पसमानदा लोग हैं। मोदी, मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कह देना चाहता हूँ, चाहे वो पुलिस के बड़े अधिकारी हों, चाहे वो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के बड़े अधिकारी हों, हाँ पहाड़ी लोग हैं, लेकिन मैं डोगरी आखना मोदी जी, असे वो ग्राई लोग हाँ, अस सीए दौड़िया नहीं जान देंगे, चोर भी पकड़ लेने, सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन चोर अगर मैं आखा चलेगा पुलिस की सानू खुला दिन, अगर अस चोर पकड़ने पकड़िए मारने साढ़े उपर FIR लग जानी है, पुलिस ने कार्रवाई नहीं करनी, लोग जाना कुछ है? जो 70-70 जात जोग है, गवान बैंस न, जी चोरी हुआ आए दिन ये जम्मू कश्मीर के अंदर, जगह पिछले 8-9 साल की पहले चोरिया होंगी हाँ, पर 8-9 साल की इन चोरिया बधी गई, इतने बंदे ही मारू उठा दे, साढ़े को हथियार थोड़े न, जे लोग गड्डी लिया आते हैं उनके को हथियार भी होंगे, सू जो लोगों लोग ग्रां के रोने वाले इन्हें हथियार इशू करने चाहिए, क्या फर्क पाता है? क्योंकि अस पहाड़ी लागे को मुकाबला करना है, कोई बंदा गन लिया आवे, तलवार लिया आवे, साढ़े को डांग भी नहीं, अगर डांग बड़ी इन्हें साढ़े FIR लगी हुई है। मुझे ये विषय जांच का विषय है, इतने जड़े लीडर जीते दिन, चाहे वो DDC चाहे सबका MLA चाहे मैंबर पार्लीमेंट, उन्हें इस गल की सोचना चाहिए। खाली जल्द इलेक्शन होती ना, वह ला रहा माड़ा बरादरी का बंदा, माड़े इलाके का बंदा है, माड़ा जाति का बंदा है, ये लै गया उनके इलाके से जाति के बरादरी लोग नहीं रवा दे इलेक्शन उपर की। मोदी, मैं एक गल रखा, जेडे इलेक्शन लड़ते चाहे वह जीतते चाहे हारते, दो कैंडीडेट बराबर के सिद्धान, काम तो नहीं हो रहा, अपोजिशन भी मजबूत होनी चाहिए। जेल इलेक्शन होनी उसे चली जाना, महाराज फलाना जाति ना टमकाना, इसलिए लोग सिर्फ वोटें की राजनीति करने जाते हैं। लेकिन इस बार इलाके के लोगों इन्हें लीडरें की बढ़ने देना, अगर साढ़े मसले हल नहीं हो ना, असें क्या करना? अगला स्टेप बस सारे लोगों ने बेहतर सलाह करी है अगला स्टेप करके, और जब डंगर की सलाह चोरी हो ना, अगर एक हफ्ते के अंदर अंदर चाहे पुलिस के बड़े अधिकारी, चाहे वह चौकी से जोगवा हो, चाहे वह SHO खौड़ हो, चाहे वह DSP अखनूर हो, चाहे SSP जम्मू हो, अगर एक हफ्ते के अंदर साढ़े लोगों ने सुध नहीं ली, कोई ये पर रिजल्ट नहीं कटिया, तो अगला साढ़ा फैसला क्या होना है? वो अस कसूर जा सकते हैं, वह बोध राज भी जानता है और ये लोग भी जानते हैं। लेकिन डंगर अहें वापस लैने, ये मत सोचने की भी नस्ल के लोग कमजोर न, चोरी करिए ले जाएंगन, एक शायद इन्हें गलत लोगों ने टक्कर ले ली है, चोरे भी तो पुलिस ने भी। मोदी, ये भारी लोग सीधे जरूर हाँ, साढ़े को हथियार नहीं है, लेकिन अस जल जंग लड़गे ना पूरी मजबूती करने, अस बजरे ढोडे खाने वाले लोग हाँ, अस भी कमजोर लोग थोड़े हाँ, जितू फटते ना बाह ना उसकी बाह निकल सकती है, अस वो लोग हाँ, ये शायद गलत फहमी च ना। लेकिन आने वाले एक हफ्ते का टाइम देना पुलिस की, अस एक हफ्ते नहीं साल कार्रवाई हुई फिर अस मीटिंग करके और वाला क्या करना है? तो फिर लीडर जिन्हें मर्जी बड़े बाहर हो लाई जाने, बहुत आज शर्मा डरता नहीं कुछ, तू तो जानते हो ना, मैं डरता कुछ, मैं डरना ये लोगों को जब भगवान को बामे मल को जो जो खाडा है, बाकी बोल रहा डरने नहीं है ना, झुकने वाला डरना लोगों को डरना, आम लोगों को डरना, परमात्मा को डरना जो पैदा किया जब माँ प्यो को डरना, बाकी बोल रहा डरना कुछ नहीं है जी। धन्यवाद। तो ये थे यहाँ के
नाथल गांव के लोग जिनका ये कहना है कि हमारे माल मवेशी एक हफ्ता हो गया है ये यहाँ से चोरी हुए हैं, और इनका कहना है कि एप्लीकेशन तो दी है लेकिन पुलिस ने कार्रवाई नहीं की है, और SHO खोड़ DSP अखनूर से ये कहना चाहते हैं कि इस पे संज्ञान लिया जाए, जो ये इनका ये माल मवेशी चोरी है इस केस पे संज्ञान लिया जाए, और अगर ये नहीं करते हैं तो एक हफ्ते का इन्होंने टाइम दिया है, अगर नहीं करते हैं तो ये धरना प्रदर्शन करेंगे। आप जुड़े रहें JK टाइम्स के साथ, मैं मोहित शर्मा कैमरामैन रोहित के साथ।